आप ईवीएम पर आरोप मत लगाओ, आप लाइए मोबाइल पर वोट और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दिलवाइए। मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, ऐसे लोग इस देश में चुनाव जीतना तो दूर की बात है, अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेंगे। मेरे देश के बच्चे आज़ादी के इतने सालों बाद पूर्णिमा खिड़की खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। इतिहास की गाथा लिखने वाला कैसे लिख पाएगा, 6 दिसंबर बानो लिख सोच में पड़ जाएगा। ये भारत के इतिहास की घटना, एक ऐसी दर्दनाक घटना, एक ऐसी लोमहर्षक घटना जिसको लिखते हुए इतिहासकार की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और दर्द की करुणा छलक उठेगी उसके मन में कि भारत की धरती पर ऐसा हुआ था। ऋषियों की भूमि पर, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमि पर, जहाँ पर इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी न्याय दिया जाता था, ये इतिहास के काल की सबसे बुरी घटना है। और मुझे हैरानी है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश की कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आस्था पर ये फैसला तो जरूर सुना दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि ये ऋषियों की भूमि, उस भूमि से संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जगत के सब जीवों की कामना करने वाला भारत देश अगर पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, तो ये विविधता में एकता की जो बात है, मुझे लगता है ये भारत के मस्तक पर एक कलंक के रूप में, इस कलंक को मिटाने का समय आ गया है। मैं देश के जनमानस से कहता हूँ कि मेरे भाई बहनों, समय के पहिए को पीछे कोई घुमा नहीं सकता, प्रकृति ने ये सामर्थ्य किसी को नहीं दी है। आप ईवीएम पर आरोप मत लगाओ, आप लाइए मोबाइल पर वोट और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दिलवाइए। मैं दावे से कह सकता हूँ, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, ऐसे लोग इस देश में चुनाव जीतना तो दूर की बात है, अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेंगे। मेरे देश के बच्चे आज़ादी के इतने सालों बाद पूर्णिमा खिड़की खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं, बेरोजगार होकर सड़कों पे घूम रहे हैं, शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मुझे तो इस देश में शर्म आती है, क्या इस देश में आज़ादी आ गई? जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में वो भी बर्खास्त हो गई थी, लेकिन सजा उन्हें अभी तक नहीं मिली है। आपने राम मंदिर के लिए जगह दे दी, कोर्ट ने बोल दिया कि चलो भाई हम क्या कहते हैं ये जगह दे देते हैं, वरना समाज में जो है वो दूसरी तरह की भावनाएं चली जाएंगी। एक समाज की भावनाओं को ख्याल रखते हुए जगह दी गई है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें सजा नहीं मिली अभी तक? कानून अपराधी है, कानून और संविधान भावनाओं से नहीं चलता है। हमारे देश की जो व्यवस्था, उसके 3 पिल्लर हैं, मीडिया तो वॉच डॉग, बस उसकी भूमिका इतनी है कि वो भौंक भौंक करके बताता जागते रहो, इससे आगे मीडिया की कोई भूमिका नहीं है। मैं आज जो मीडिया पर इतने दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं, गोदी मीडिया ये वो भी मैं बता दूं, क्यों मजबूर हैं, उनको प्राणवायु कौन देगा? बिना ऑक्सीजन के कोई जीव कैसे जिंदा रह सकता है? ये अर्थ युग है, अर्थ के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अर्थ विज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। और मेरे देश के इन दोनों मैनेजरों को, भाई नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, ये पता चल गया है कि देश के लोग पेट से सोचते हैं, इसको भीड़ तंत्र में बदलने का काम कर रहे हैं। और इस देश को लीडरशिप की ज़रूरत है, और लीडरशिप युवाओं में से प्रकट हो सकती है, और वो तभी संभव है जब मोबाइल से वोट आए और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दिया जाए। अब सवाल ये है कि इस समय जो 3 पिल्लर हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैं आज जंतर मंतर से विश्लेषण करके समाज को बताना चाहता हूँ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये भारतीय प्रजातंत्र के मूल 3 पिल्लर हैं जिसे आप चुनते हो, वो लोकसभा से राज्यसभा से संविधान संशोधित करते हैं। आप लोग कभी पुस्तक पढ़िए, रीप्रोमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता चलेगा कि भारत की आत्मा को कितनी बार छलनी किया गया। 42वां संशोधन, उस पर बहुत बड़ी बातचीत की जाती है। 25 जून 1975 को देश के आम नागरिकों के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे, आपातकाल लागू किया गया था। उसके बाद 77 में नारा दिया लोक नारायण जयप्रकाश ने, सदियों से सोई राख सुख उगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता ने जेल में निरुद्ध राज नारायण को श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव जिताया था। मेरे भाई बहन, अगर आप भारत में प्रजातंत्र चाहते हैं
तो मैं चाहता हूँ आप किसी भी राजनीतिक दल को जिताइए, मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे लोगों को उनके लोकसभा क्षेत्र से जमानत जब्त करवाइए, तब एक नए भारत का अभ्युदय होगा जो संविधान की आत्मा को लगातार छलनी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। अगर कांग्रेस ने नागरिकों को कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाना सिखाया होता तो देश में आज हालात नहीं बनते ये। इसके लिए पूरा दोष उनका है, लेकिन उस दोष को आगे बढ़ाने वाले ये दोनों मैनेजर भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये तो इस देश को भीड़ तंत्र में बदलना चाहते हैं। मेरे भाई बहन, कितने लोग आए और चले गए, ये सिकंदर के वंशज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऋषियों की भूमि है जो स्वभावतः अपनी व्यवस्था खुद संचालित करती है। जब हम प्रकृति की दिव्यता से जुड़ेंगे तो योग फलित होगा, और योग के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र भाई बनना चाहते हैं, बहुत स्वागत योग्य कदम है नरेंद्र भाई आपका ये। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग इज़ 1-to-1, कोई दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते। आप अगर ये बात कह दो कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है, तो एक स्वस्थ मानव इस धरती पे आकार ले सकता है, और जब एक स्वस्थ मानव बन जाएगा तो सारी कायनात उसकी मदद करेगी और सारी दुनिया में खुशहाली हो जाएगी। तब सिर्फ भारत के लोग ये गीत नहीं गाएंगे प्रेम का, सारी दुनिया प्रेम की बंसी बजा रही होगी। सही मायने में तभी भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। जय हिंद, जय भारत। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।